ये श्री राम के नारे लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, और यदि कोई मौलाना किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ और श्री राम के नारा देने वाले के खिलाफ कोई फतवा जारी करेगा तो उस हाथ को भी उखाड़ लिया जाएगा। और अगर कोई मौलाना राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ कोई बयान जारी करेगा या बयान देगा, उसकी मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान खींच ली जाएगी। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, ये फर्जी फतवों से नहीं डरने वाला है मौलानाओं के। वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कैसे किया? देखिए, वसीम रिजवी साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया है, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। कुरान में लिखा है, लकुम दीनकुम वलिया दीन, अपने दीन पर अमल करो। और गीता में लिखा है कि अपने धर्म का भी सम्मान करो, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो, और अपना मजहब चाहे कितना ही खराब हो उसको